स्टील बर्ड स्टील बर्ड खत्म हो गया। ये देखो पहले वाला चेंज पकड़ जो फ्रंट कर रहा था यही ज्यादा घिसता है। ये देखो मैच करो, देखो ये है परफॉर्मेंस कैनन एयरफिल्टर और ये स्टॉक और ये इसका चेन भाई बहुत महंगा है। इतना तगड़ा परफॉर्मेंस भाई साहब, पहले फर्स्ट ईयर में 133 जाती थी मेरे को याद है, बट अभी इतना ज़्यादा। सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम फिर से आ चुके हैं एक मस्त सा वीडियो लेके। तो मैं आज आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे पहले सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को तो पता है, बट जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है उन लोगों को नहीं पता। तो ये देखो भाई, ये है सिल्वर प्ले बटन। तो ये इस वाले चैनल का नहीं है, ये एक और चैनल था मेरा पहले, सो वो वाले चैनल का है ये सिल्वर प्ले बटन। तो मैंने यहाँ वॉल पे लगाया हुआ था, अभी तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है, मैं लगा के अच्छे से दिखाऊंगा। तो भाई ये आपको दिखाना चाह रहा था मैं आपको, एंड मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सब कोई को फॉर द 40,000 के सब्सक्राइबर्स। भाई आप लोगों ने इतना जल्दी इस पर भी कंप्लीट कर दिया, एंड आई होप आप लोग सपोर्ट बनाए रखो। मैं सोच रहा था कि इसमें भी अगर 100 के हो जाता तो भाई ये दो दो हो जाते तो और भी मज़ा आता भाई। एंड गाइज आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि भाई मेरा बाइक का पार्ट्स आ चुके हैं फाइनली। तो आज हम उसे लगवाने जा रहे हैं, आज हम उसे फाइनली लगवाने जा रहे हैं, एंड भाई बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। भाई ऐसा लग रहा है कितने दिनों से बाइक नहीं चलाया, तो वैसे बाइक तो मैंने बहुत दिनों से ही नहीं चलाया, मैंने एक सप्ताह हो गया। भाई बहुत मन कर रहा था मेरे को भी कि मोटो व्लॉग बनाऊं बाइक पे, बट क्या करे गाड़ी का कंडीशन ही खराब था, इसीलिए कहीं ले नहीं जा रहे थे बाइक को। आज हम लोग फाइनली अपना बाइक का पार्ट्स लगवाएंगे बाइक में, एंड उसके बाद हम कहीं मस्त से राइड करेंगे, उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग राइड्स के लिए बने रहो। तो चलो आपसे मिलता हूँ अब मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे, लेट्स गो। ओके सो वंस अगेन हेलो एवरीवन एंड वी आर बैक ऑन मोटो व्लॉग। मैं बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ बाइक, मैं कुछ दिनों पहले गया हुआ था चाईबासा भाई कार से गया था, और आज बहुत दिनों के बाद बाइक चला के बहुत मज़ा आ रहा है भाई। पता नहीं क्यों लग रहा है कि कुछ सुपर पावर ही आ गया हाथ में, वैसे सुपर पावर ही है ये, तो सुपर बाइक ही जो नाम है इसका, सिक्स गियर में भी फुल। तो अभी बज रहे 12 और मैं थोड़ा सा लेट हूँ, और मुझे लग रहा है गैरेज में बहुत टाइम लगने वाला है क्योंकि लेट तो होता ही है वहाँ, तो पार्ट्स वार्ट्स लगने में मेरे को तो लग रहा है थोड़ा रात हो ही जाएगा। जब भी जाओ भाई गैरेज रात होना ही है, एंड पूरा चमका के रखा था मैंने, कल ही बाइक धो के रखा था बट निकाला नहीं था, एंड फ्यूल वगैरह तो था पहले से, देखो आधा टंकी तो है। और मौसम क्या मस्त है भाई, एकदम सही लग रहा है, ना ठंडा है ना गर्मी है। देखो अभी गर्मी भी आने वाला है, ये है जंगल, बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ मैं तो। एंड चेन स्प्रॉकेट भी नॉइज कर रहा है क्योंकि 20,000 किलोमीटर क्रॉस हो चुके हैं और एक बार भी चेन स्प्रॉकेट चेंज नहीं हुआ, तो मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है भाई कोई भी बाइक हो, चाहे आप ड्यूक 390 चलाओ या सुपर बाइक चलाओ। सुपर बाइक तो ऐसे जल्दी ख़त्म होता है, इसका सारा पार्ट जल्दी ख़त्म होता है भाई, बोले तो इसका जब सर्विस कराओ उसके बाद सिर्फ 4,000 to 5,000 किलोमीटर से चलते हैं मैक्स। दूसरी बाइक में आप चल सकते हो थोड़ा लंबा, बट इसमें तो भाई रिस्क नहीं लेना है। मैं ब्रेक पैड भी कम है तो मैं उतना भगा नहीं रहा हूँ, तो भाई एक बार जब पूरा प्रॉपर ट्यून हो जाएगा उसके बाद फिर मज़ा आएगा चलाने में, आप लोगों को फिर फीडबैक दूंगा। एंड गाइस हम लोगों ने लॉन्ग राइड का भी प्लान किया है, लॉन्ग बोले तो उतना लॉन्ग भी नहीं बट हाँ थोड़ा लॉन्ग ही रहेगा, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। तो आप लोग बने रहना वीडियो पे, एंड हाँ बहुत लोग मेरे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़। आगे सुनील मिलेगा और डायरेक्ट हम लोग शॉप ही जाएंगे गैरेज। ओहो आज कट मारने में तो ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। अरे अरे चाचा, मुझे एग्जॉस्ट का साउंड आज बहुत ज़्यादा लाउड लग रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत दिन बाद चला रहा है शायद इसीलिए। यार हमेशा लेट करता है,
नंबर देख रहा हूँ, एनएस किड सुनील नाम से ही सेव है शुरू से ही। पुलिस अंकल गाड़ी पूरा गौर से देख रहे हैं। ये रहा गया, भाई क्रेजी किड्स रिएक्शन। स्कूल छुट्टी हो गया इसलिए भीड़ है। हाथ देख रहे हो, ग्लव्स नहीं पहनने का नतीजा रेड हो गया पूरा। बच्चा लोग सब पहचान रहे यार, लार्क्स भी है। लार्क्स लार्क्स सब बोलता है, लार्क्स नहीं बोलता कोई। भाई बहुत भयंकर भीड़ हो जाता है यहाँ जब स्कूल छुट्टी होता है तो। बाप रे यहीं पे भीड़ मिल गया इतना। चल जाएगा, जाइए लेफ्ट ले लीजिए, लेफ्ट ले लीजिए। हाँ है जगह भाई, यहीं पे आधा एक घंटा हो जाएगा तो फिर कब पहुँचेंगे। पहुंच गए सुजाता चौक, और रुकना पड़ेगा भाई। ओ खुल गया, वुमेन। बहुत भीड़ होने वाला है भाई आज तो। शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग भाई, इतना इतना लेट में सामान आया है, देखो रात हो गया पूरा। अब बताओ सोनू भैया, हम लोग को एकदम मॉर्निंग में बुलाए हैं और अभी सामान आ रहा है। डिलीवरी बॉय इधर है, स्टील बर्ड। स्टील बर्ड के क्या मंगा दिए यार, स्टील बर्ड का हेलमेट मंगवा दिया। और सब सामान और सब इसी में है पगला, सब एयर फिल्टर वे सब। एयर फिल्टर पहले से आ गया था ना, इसमें सिर्फ दिस पैड और वो होगा। चेंज प्रोकेट सोनू भाई, वो वीडियो ना सब आ रहे हैं। सोनू सब इधर काम छोड़ के सोना होना आ गया लग रहा है। दिस पैड ये वाला नहीं है रे, आप क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं। देखो ना यार, देखो ये वाला दिया है, ये हमको लग रहा जानता है मेन जो है इसके इसका दे दिया। मेन तो यही है ना, डिस्प्लेड हमको लग रहा ना। इसका दे दिया है आर वाला मॉडल का, वो ब्रेम्बो का आता है ना उस तो। नहीं नहीं ब्रेम्बो का कैलिपर आता है ना, ब्रेम्बो कैलिपर मतलब दे दिया लग रहा है। नहीं पता चल रहा है, तो सही आ गया। कैनन का एयर फिल्टर की तरह सही आ गया, बस ये साला डिस्पाइड का थोड़ा कंफ्यूज है, वाला देख लेते हैं। मेन चीज है तो ये है इनसाइड वाला गैरेज जहाँ बस सुपर बाइक का काम होता है, और यहाँ एक टेनार भी है, ये बहुत जल्द मेरी होने वाली है। BS4 टेनार भाई, क्या लुक है इसका देखो एक बार। मुझे BS6 से ज़्यादा यही पसंद है। और अभी मेरा गाड़ी का काम होगा, अभी इतना एकदम रात में बताओ। पूरा खत्म हो गया ये देखो, पहले वाला चेन स्प्रोकेट जो फ्रंट कर रहा था यही ज़्यादा घिसता है, पूरा ख़त्म हो गया, एकदम पतला हो गया, बेंड भी हो गया ना, शायद बेंड हो गया पूरा देख रहे हैं। और ये देखो ये है K&N का एयर फिल्टर भाई, परफॉर्मेंस अपग्रेड, तो ये भी लगेगा अभी। और चेन स्प्रोकेट अभी लगना बाकी है। ब्रेक पैड का तो भैया लेट है थोड़ा, क्योंकि भाई जो ब्रेक पैड हम लोग ऑर्डर किए थे वो 675R का था, और उसमें लगे हुए हैं ब्रेम्बो, उसमें ब्रेम्बो लगता है, ब्रेम्बो कैलिपर तो नहीं लग पाएगा वो वाला, तो भाई अब फिर से टाइम देना पड़ेगा। ये देखो एकदम न्यू पैकेट K&N, और जो पहले वाला है वो भी दिखाते हैं। वो वाला तो पिछले बार चेंज भी नहीं किया था ना हम लोग सर्विस में, क्योंकि मिल नहीं रहा था। हाँ उस टाइम हमें लगाना था ये वाला, तो
हमने सोचा था यही लगाएंगे इसलिए नहीं चेंज किए थे। और ये स्पीकर भी मिला भाई, यही तो चाहिए अपने को। ओ भाई क्या पहले वाला एयर फिल्टर देखो क्या। अरे भाई दो बार चल गया, दो बार बोलेंगे दो सर्विस, दो सर्विस चल गया ये वाला। ये देखो मैच करो, देखो ये है परफॉर्मेंस कैनन एयर फिल्टर और ये स्टॉक साइज भर का देता है, बड़ा देता है। देखो लग गया है चेन स्प्रॉकेट और ये इसका चेन भाई, बहुत महंगा ये वाला, एक बार सर्च कर लेना प्राइस डीआईडी का। तो हो गया है चेन स्प्रॉकेट और एयर फिल्टर डन। ब्रेक पैड तो नहीं हो पाए भाई क्योंकि रॉन्ग पीस आ गया हमारा ब्रेक पैड, और कुछ दिन लगेगा उसके बाद लगाएंगे। चलो अब निकालते हैं यहाँ से बाइक। गेस हो गए, चलो बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका है और टाइम हो रहा है 9:30। देखो सुबह हो, मैंने तो क्या बोला था रात होना ही है। तो अब निकलते हैं वापस घर, हमारा काम हो चुका है। अभी ट्रैफिक में पता नहीं चल रहा लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है बाइक। ब्रिज का काम देख रहे हो भाई, बहुत ज़ोरों से चल रहा है, पूरा हुलिया चेंज हो गया यार। मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ इधर और ऑलमोस्ट ब्रिज बन गया है यहाँ पे, बस कनेक्ट हो जाएगा तो फिर मज़ा ही आ जाएगा यार। एकदम ठंडा गायब हो गया ऐसा लग रहा है। चलो अच्छी बात है, अब गर्मी आने वाला है तो खुल्लम खुल्ला राइड करेंगे भाई और मज़ा आएगा। अरे अरे चाचा मुझे लग रहा भाई कि एक गियर में और जाएगा। एयर फिल्टर लगने के बाद तो भाई क्या खींच रही है, भाई क्या खींच रही है, मतलब सब सही हो गया और भाई काफी स्मूथ है, काफी ज्यादा भाई। बहुत दिनों के बाद बाइक चला रहा वो भी एकदम और एकदम फ्रेश कंडीशन में, मजा ही आ रहा, मजा ही नेक्स्ट लेवल भाई। मैंने देखा नहीं यार, मैंने फर्स्ट गियर पे लास्ट 148 देखा, पता नहीं कितना गया था, एक बार क्लिप चेक करना पड़ेगा भाई। लेकिन इतना तगड़ा परफॉर्मेंस भाई साहब, मतलब पहले फर्स्ट गियर में 133 जाती थी मेरे को याद है, बट अभी इतना ज़्यादा। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।